सो हे गाइस, हाय, गुड नाइट। क्योंकि ये नाइट की क्लिप है। रात को मैंने दाल को भिगो कर रखा था क्योंकि मॉर्निंग में मुझे छठी करनी थी। छठी मैंने की थी वेडनेसडे को, और ये तब की क्लिप है। मैंने कंटिन्यू नहीं किया था अपना ब्लॉग, तो मैंने इनका बर्थडे आ गया था तो मैंने सोचा चलो बर्थडे के साथ में ही ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दालों को भिगो कर रख दिया है, रात भर सोक करेंगी। ये एक उड़द की दाल है और ये है मूँग की दाल। मूँग की दाल के मंगौड़े और दही भल्ले बनने थे, तो दोनों को मैंने भिगो कर रख दिया था। मॉर्निंग में मुझे बनाने थे। सो ये देखिए, रात भर सोखूंगी और मैं इसके थोड़े से छिलके निकालूंगी। बाकी मैं पूरी दाल को ऐसे ही बनाऊंगी मंगौड़े, क्योंकि दालों में तो आप सभी लोग जानते हो कितना अच्छा प्रोटीन होता है। तो मैं छिलके ज़्यादातर वेस्ट नहीं करती हूँ, छिलकों को भी बना लेती हूँ। मैं तो हलवा भी कभी कभी जब बनाना होता है, मन होता है, कभी कभी बनाती हूँ विदाउट छिकल वाली। वैसे छिकल वाली कभी मैं बना ही लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज है वेडनेसडे और आज है जन्माष्टमी नहीं, छठ है, छठी है, कृष्ण जी की छठी है। तो यहाँ पर देखो मंदिर अभी डेकोरेट दिख रहा है ना मिरर में, देखो दिख रहा है मंदिर में डेकोरेट और पूरा दिख रहा है, पूरा अच्छे से जैसे डेकोरेट था वैसे ही है प्रॉपर डेली। अभी उनकी लाइट्स वगैरह जलती हैं, सारी चीज़ें मतलब जैसे जन्माष्टमी की थी पूरी छठी तक वैसा ही स्टूडियो में चलता है, पूरी डेकोरेशन रही है। और आज छठी है तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है और जितना मुझसे हो पाता है उतना तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं बना पाऊँ। तो मैं दही बड़े, मंगौड़े, कढ़ी, राइस और रोटियाँ चढ़ती हैं पूरी में, पूरी रोटियाँ और जितना मुझसे हो गया पतली काम रखा गया है, पूरे बेड की तो मेरी हालत ख़राब है। पूरा बेड मेरा टॉर्च से ही फुल है, बेड के ऊपर भी, बेड के अंदर भी, मतलब दीवार में अंदर साइड जो जगह वहाँ भी टॉर्च टॉर्च फैले हुए हैं, टॉर्च टॉर्च दिखा रहे हैं। इनके बेड के ऊपर भी टॉर्च दिखाई देते हैं। इनकी बास्केट मैंने बना रखी है बड़ी सी है, वो भी पूरी फुल हो गई है टॉर्च से। तो अगर ये पूरा रूम भरने में आए ना तो इनका पूरा रूम भर जाए खेलते खेलते, इतने सारे टॉयज इसके हो गए हैं। तो क्योंकि सारे टॉयज किसी का पार्ट इधर पड़ा है, किसी का पार्ट उधर पड़ा है, किसी का पार्ट इधर, तो फेंक भी नहीं सकते हैं। सारे टॉयज सही है, कोई ख़राब नहीं। जो ख़राब होते हो मैं तुरंत फेंक देती हूँ, बाद के लिए नहीं रखती हूँ। बाद के लिए मुझे कोई काम नहीं पता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना, इसमें लिखा है राधे राधे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है राधे राधे। और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे श्याम बाबा को देखिए यहाँ पे नया मुकुट पहना दिया है। ये देखिए ये जो मैं मुकुट लेकर आई थी ना इस्कॉन से, तो मैंने ये वाला मुकुट, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए लड्डू गोपाल जी मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, इनको जा रही हूँ, इनको नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसके बाद में इनको रेडी करती हूँ। ओके तो चलिए तैयारी करते। सो यहाँ पे ये दाल के जा रही हूँ बनाने, दही बड़े और मंगौड़े। यहाँ पे मैंने अदरक सिर्फ डाली है दोनों में और सॉल्ट डाल के मैं इनको बनाऊँगी डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लहसुन डालती हूँ दही बड़े में, चौक वॉक लगा देती हूँ। और इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकती थी बट फिर मीठी नहीं खाती है, धनिया पत्ते वगैरह ऐड कर देती बट मीठी खाती नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी। धनिया यहाँ पर रख रखी थी, काट के धनिया डालूंगी उस दही बड़े में और थोड़ा सा डालूंगी कड़ी में। तो यहाँ पे मंगौड़े मेरे पक रहे हैं, मंगौड़े मैंने बनाए, ये देख सकते हो मैंने छिलके थोड़े ही निकाले हैं, थोड़े सब के मैंने बना दिए इसी तरह से। दही मंगौड़े मंगौड़े तो मेरे बन गए थे, काफ़ी फूले फूले से बने थे ये देखे, और बहुत ही टेस्टी बने थे। और थोड़े ही मैंने बनाए थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते ही नहीं है ना, और इनको पसंद नहीं है दही बड़े, और मुझे थोड़ी उड़द की दाल जो होती है उसे पेट दर्द होने लग जाता है, तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। उड़द की दाल मुझे नुकसान करती है और इनको ये खाते नहीं है दही बड़े, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब छठी है भगवान जी की, तो छठी में तो बनना ज़रूरी है भगवान जी के लिए। तो भगवान जी के लिए मैंने बनाया था और जितना था, और थोड़ा ही बनाया, जितना बनाया था हम लोग खा सके उतना ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया था कि फालतू बाद में वेस्ट हो। भगवान जी का ऐसा प्रसाद की तरह बनाया हो, थोड़ा ही बनाया हो, बाद में उन लोगों ने पूरा फिनिश भी हो गया था। इतने ही बनाए थे हम लोगों ने, देख सकते हो इतने दही बड़े बने थे। दही बड़े का शेप तो मैंने पूरा ट्राई किया था कि बेस्ट बने, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है कभी। शादी पहले मम्मी बनाती थी, शादी के बाद मुझे कभी चांस पड़ा नहीं है। करवा चौथ में बनते हैं तो भी मम्मी जब अगर मैं मम्मी के घर गई तो वहाँ कर लेती हूँ, और यहाँ आती हैं तो मम्मी को बुला लेती हूँ तो साथ में ही करते हैं। तो मम्मी ही बनाती हैं, शेप मम्मी देती हैं और मैं फ्राई व्राई कर लेती हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अगर सच बताऊँ तो मैंने 4 या 5 टाइम बनाए होंगे दही बड़े प्रॉपर पूरे अपने तरह से ट्राई करके। वैसे जल्दी मैंने बनाए नहीं है, मम्मी बना देती हैं। तो यहाँ पे दही बड़े मंगौड़े मेरे बन चुके हैं,
और इनको अब मैं डालूंगी पानी में, देन उसके बाद में दही में। तो यहाँ पे मेरी ये कढ़ी मैंने यहाँ पे छौंकती है, कढ़ी मेरी बन रही है और कुछ ज़्यादा डाल नहीं सकती थी, और पकौड़ियाँ मैंने इसकी बना ली थी कढ़ी की, और यहाँ पे पकने का वेट कर रही हूँ। और गार्लिक मैं डाल नहीं सकती थी क्योंकि भगवान जी का प्रसाद था। तो चलिए यहाँ पे मैं पंचामृत बनाऊँगी और मेरा यहाँ पे प्रसाद लगा रही हूँ। कढ़ी चावल और है पंचामृत और दही बड़े, राइस, रोटी, तुलसी के पत्ते मैंने डाल दिए थे क्योंकि उनके बिना तो, और कुछ सूखी हुई वहाँ पे पकौड़ियाँ हैं, इतनी चीज़ें मैंने चढ़ाई थी। और फिर उसके बाद मुझे तुरंत मिट्टी को स्कूल लेने जाना था क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही करी थी छठी, क्योंकि फिर मुझे मिट्टी को स्कूल लेने जाना था, फिर बहुत देर हो जाती, इसलिए मुझे भगवान जी की पहले पूजा मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दी थी जल्दी, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अब मुझे ही करनी थी, मैं अकेली थी, तो यहाँ पर भगवान जी का भोग लगा रही हूँ। तो मैंने पूरी पूजा की तो नहीं बनाई है, नहीं तो फिर बहुत लेंथी ब्लॉग बन जाता मेरा, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप लेकर कट करके बनाई है। देन ये ब्लॉग तो मेरा छठी का बस यहीं तक ही है, उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा बर्थडे का ब्लॉग, इनके बर्थडे का ब्लॉग, जो कि मैंने केक बनाया था। ये देखिए केक मैंने बनाया है, आप लोग गेस करो कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। मैं इसकी प्रॉपर क्लिप डालूंगी केक बनने की, बट अभी आप लोग गेस करो कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, कैसे बनाया है, आप लोग गेस करो, हो पाए तो कमेंट्स करूँ करिएगा। तो यहाँ पे ये रात में 12 बजे मैंने कुछ सेलिब्रेशन इस तरह से करवाया था, यहाँ पे इसी तरह से कुछ सेलिब्रेशन कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मिट्टी साथ में कट कर रही है केक डैडा के साथ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डैडा, हैप्पी बर्थडे। सो ये रात के सेलिब्रेशन का क्लिप सिर्फ यहीं तक है, मिट्टी ने डैडा के साथ में क्लिक केक कट किया, फिर खिलाया सभी ने एक दूसरे को। देन उसके बाद में डैडा ने मिट्टी को किस किया, मिट्टी ने डैडा को किस किया और बर्थडे विश किया जल्दी से। और फिर हम लोग सो गए थे, रात में सोते सोते हम लोगों को डेढ़ बज गया था। वैसे तो सैटरडे था, नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना था मिट्टी को, बट फिर भी रात तो रात है। कल के ब्लॉग के बाद में मैं आज मिल रही हूँ, कल का ब्लॉग नहीं, कल के बाद में मैं आज मिल रही हूँ, सारे ब्लॉग मेरे एक ही में ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मैं आप लोगों को देखो इस तरह से दिख रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मिट्टी इसी वजह से बाहर के साइड देख रही है। और देख लो इनकी फरमाइशों की वजह से हमेशा हम लोगों को बाइक स्कूटी पसंद है, कार इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, 1% भी नहीं आती है, फिर भी आज इतनी धूप हो, आप लोग देख लो कितनी भयंकर हो रही है कि जाने का मन नहीं हो रहा है कहीं भी, इतनी गर्मी हो रही है। इसकी वजह से मैंने कहा अगर धूप में नहीं जाएगी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, खांसी आ रही है, फीवर भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने मना किया, हम लोगों ने मना किया कि मतलब उसको कार से ही ले जाते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर बाइक ना प्रॉब्लम करती है इसलिए, और गर्म भी बहुत हो रही थी बाइक, इसलिए पहनी शॉर्ट्स तो गर्म लगती पैरों में, इसीलिए इसको मना भी कर दिया हम लोगों ने। जा रहे हैं अभी हम लोग मंदिर, और मिट्टी की वजह से सिर्फ हम लोगों को विंडो ओपन करनी पड़ी, एसी चल रही है, विंडो ओपन है फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये विंडो इनके लिए ओपन की गई है, एसी हम लोग ले चलाई गई है, बट फिर भी हम लोग जा रहे हैं। और फाइनली कार से जा रहे बेटा, फेस अंदर कर लो, ये फेस नहीं अंदर करती है, अंदर कर लो बेटा। आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं शायद बहुत दिनों बाद, क्योंकि बीच में गए नहीं है, क्योंकि हमेशा हम लोग मंदिर हम लोग जाते हैं हमेशा, बट अभी जा नहीं पाए। और आज मैंने पहनी है न्यू टी शर्ट क्योंकि मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे नहीं है, बर्थडे बॉय तो ये बैठे हुए हैं, इनको मैंने पहनाई है न्यू टी शर्ट, तीनों लोगों ने पहने न्यू, इन्होंने भी पहनी, क्योंकि इनका तो हमेशा होता है, किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, छोटों से लेके बड़ी सी चीज़ें हो, इनके न्यू कपड़े हमेशा रहते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे पहनी है ये क्रॉप टी शर्ट है, मैंने पहनी है बहुत दिन पहले, मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, बट पहनी मैंने आज है क्योंकि मुझे इसका चांस ही नहीं मिल पा रहा था, हमेशा सारे कपड़े निकल रहे थे बट इसका कोई चांस नहीं आ रहा था पहनने का, तो आज मैंने कहा चलो आज मैं पहनती हूँ। कल मैंने बनाया था हार्ट वाला केक और आज मुझे हार्ट टी शर्ट पहनने को मिल गया, देखो मेरी टी शर्ट में हार्ट बना हुआ है ना। जैनी को आज हम लोग घर पर ही छोड़ कर आए हैं, देखो चुराए के पास, तो मम्मी लोग आ रही हैं इसीलिए हम लोग जैनी को घर पर छोड़ के आए, कहीं दे के नहीं आए क्योंकि अभी मम्मी लोग जब तक हम लोग मंदिर पहुँचेंगे तब तक वो लोग घर पहुँच जाएंगी, और इसीलिए हम लोग जैनी को देकर नहीं आए। आज मिट्टी को मैंने सिंपल सा रेडी किया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, और आज इसने टी शर्ट पहनी है, सॉरी टी शर्ट नहीं है, इनका भी टॉप है, ये टॉप ही है, टॉप पहनी है जो इनको रीशू मामा ने दिया ना, ये वो वाली पहनी, आज पूरी ड्रेस उसी की पहनी है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और बर्थडे बॉय को एक बार आप लोग भी बोल दो हैप्पी बर्थडे, आप लोग साइड से मैं बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू तो बोलो ये।
थैंक यू, ये वाला होता है, ये देखो इनका। तो इनको मैंने पहले मैंने सोचा था कुछ मैचिंग इनके पास ये सेम इसी कलर की टी शर्ट है जो लास्ट बर्थडे में मैंने इनको दी थी। तो इन्होंने बोला है, हाँ इनकी एक फरमाइश आई थी कि मुझे इस बार टी शर्ट नहीं चाहिए बर्थडे में, क्योंकि हमेशा इनको मैं टी शर्ट देती हूँ। इस बार इन्होंने मना किया, तो इनके लिए कुछ स्पेशल मंगाया है मैंने। स्पेशल क्या है, मतलब है तो उसी से ही मिलता जुलता, बट इनको इस बार डिफरेंट दे रही हूँ। तो चलिए, कल इनको केक भी मैंने डिफरेंट टाइप का बना के खिलाया था अपने हाथों से बनाकर, हार्ट शेप का, बहुत ही टेस्टी था। बेटा अंदर आ जाओ, धूप हो जाएगी। बेटा अंदर आ जाओ। तो चलिए चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं, फिर शाम का देखते हैं। कुछ पार्टी आज इनको मैं दूंगी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, ठीक, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हमेशा ये पार्टी देते हैं, मेरी बर्थडे की हो, किसी की बर्थडे की हो, यही देते हैं। और आज मैं कह रही हूँ आज की पार्टी मेरी तरफ से, बट पैसे यही देंगे। मेरा कोई राइट नहीं बनता, राइट मेरा बनता है, बट ये देने नहीं देते हैं। कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोई नहीं। हम लोग बहुत दूर है मंदिर से, लेकिन ये जो क्रॉसिंग है, अभी ये क्रॉसिंग ही आई है, यहाँ से अंदर जाएंगे। धूप बहुत तकलीफ वाली हो रही है यार, ये देखो। नहीं अच्छा हुआ हम लोग बाइक से नहीं आए यार, नहीं तो पागल हो जाते गर्मी में। बाप रे, अच्छा हुआ बाइक से नहीं आए, नहीं तो पैर हम लोगों के बहुत ज़्यादा जल जाते ना। मंदिर सबसे बढ़िया मॉर्निंग में आते, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया, आने का चांस तो मैंने पूरा था हम लोग। और इस ब्लॉग को भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी, बिकॉज पता है बहुत लेंथी ब्लॉग होता है तो फिर वॉचिंग करने में बोरिंग लगता है, इसलिए। वैसे भी मेरी बकबक जो होती है कुछ लंबे टाइम तक चल जाती है, देख लो 5 मिनट की अभी चल रही है। तो देख, ये बस मंदिर तक ही करूँगी, उसके बाद का नेक्स्ट ब्लॉग मैं कल कॉन्टिन्यू करूँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर, मंदिर पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद में अंदर जाएंगे हम लोग, पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब कार से जाते हैं तो यहीं गाड़ी खड़ी करती हूँ, और वैसे जो मेन गेट है उधर साइड, वहाँ पे बाइक वाइक से जाती हूँ तो वहाँ पे खड़ी करती हूँ, तो वहाँ से ही मैंने क्लिप लिए हैं। मंदिर हम लोगों का जाना आना होता ही रहता है, और ट्यूसडे में बहुत बार जाते हैं मंदिर में, मंथ में जाया करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से प्रसाद लिया है। ये पीछे वाला गेट है, पीछे वाला नहीं है, जो मेन गेट है उसके लेफ्ट साइड में ये वाला गेट पड़ता है। इस वाले गेट से गए थे हम लोग, थर्ड फोर्थ जितने गेट पड़ते हैं सबसे जा चुके हैं अंदर। बट अब इतनी बार जाते हैं तो बार बार तो जाना पड़ेगा ही, कहीं कहीं से कहीं कहीं से, क्योंकि बीच बीच में बहुत अच्छे दिन पड़ जाते हैं भगवान जी के, तो भीड़ बहुत होती है, तो फिर दूसरी गेट से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस गेट से जा रहे हैं हम लोग, पीछे के साइड वाले। सो यहाँ पर ये देखिए, प्रसाद ले लिया, और मिट्टी यहाँ पे कह रही है कि मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे नहीं जाना है, साइड से चलो कह रही है, क्योंकि धूप में आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बट ये जो इसके यहाँ पे चल रहे थे हम लोग, पैर बहुत गर्म हो रहे थे। यहाँ पे जो ईंट लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा गर्म थे, बहुत ही ज़्यादा पैर जल रहे थे। हम लोग आ गए मंदिर, पैर बहुत जल रहे हैं, बहुत गर्म है, बहुत तेज़ गर्म हो रही है ज़मीन। ये लिया प्रसाद भगवान जी का, इसमें है प्रसाद उनका, वही मिक्स में रेडी रहती है, और साथ में है तुलसी की माला। दर्शन तो कर रही हूँ क्रम के बाद। सो ये मंदिर के अंदर आ गए थे, भंडारा हो रहा था, तो इस तरह से यहाँ पे हो ही रहा था जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे। वैसे भी यहाँ पे भंडारा ऑल टाइम होता ही रहता है। सो ये यहाँ से मंदिर है, ये देख सकते हैं। अब जाएंगे अंदर, दर्शन कराते हैं, चलिए आप लोगों को भी अंदर चल के हम लोग। ये देखो मिट्टी का ड्रम, मिट्टी ड्रम दिखाओ, ये देखो। सो अभी लोगों ने मंदिर कर लिया है,
के आ गए हैं, पसीना भी सूख गया है ना। अब हम लोग जा रहे हैं घर। ये घर में पप्पी लोग आ गई हैं। आज मैंने रेस्ट नहीं किया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ इसलिए। जो आए थे जितनी जल्दी आते मेरे से भुट्टे हो जल्दी, मैं जल्द से ही आते। तो अगर ज़्यादा आए तो दो तीन दिन चलते ख़त्म हो जाते हैं। कि मैं क्या करती हूँ, बॉयल करके खा डालती हूँ। मुझे बॉयल करके खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जितने भुने हुए अच्छे लगते हैं, भुने हुए मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत कम अच्छे लगते हैं। भुने हुए इनको बहुत पसंद है, इनको मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे और मिट्टी को कौन से अच्छे लगते हैं, बॉयल वाले ना मिट्टू। हाँ, बॉयल वाले खाते हैं। देखो मिट्टू बैठा है घर। चलिए मम्मी आ गई हैं घर पे। अब प्रसाद आद है, और पानी और मिट्टी का जो ड्रम लेकर आई है वो सब ये करते हैं। अब ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग घर में चल के स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। कंटिन्यू।